ये आप वहां बैठे हैं चलो सॉरी रफ आउट नहीं। अच्छा ये याद रखिएगा प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और दूसरी तरफ इंग्लिश ऐसे में फर्क ये है कि ऐसे का रफ वर्ब आखिरी सफे पे हो लास्ट में कर जी। सबसे पहली हेडिंग क्या होती है इंट्रोडक्शन conceptualization या conceptualization of what major theme of the topic या तो conceptualize किसको करेंगे non-religious conceptualizing non traditional traditional security वो कहता है जी कॉन्सेप्चुलाइज करें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है। अब हमारी जितनी भी मेजर हेडिंग्स हैं ये बॉडी की हेडिंग्स होती हैं। इसकी हर हेडिंग की जितनी सब हेडिंग बनेगी उतने पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे ठीक है। यहां पर आपने इसका बैलेंस करना है यहां पर कोहेरेंट होनी चाहिए यानी ये नहीं ये बहुत ज्यादा बातें वो बहुत कम और आखिर के वेरिएबल बहुत कम। हाँ क्योंकि उसने फोकस व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी को रोल की सब हेडिंग ज्यादा हो सकती है इसकी बीच में देखिए काम हो सकते हैं। तो अगर अब हम मदद लेंगे स्टेप नंबर तीन से तो पहले वाला हिस्सा तो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख दिया ये एक ही पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है कंसेप्चुलाइजेशन का भी। अब हम इधर आए तो शाबाश तो कॉन्सिक्वेंसेस किस किस जगह पे होती है ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे पॉलिटिकल सोशियो एंड इकोनॉमिक मेजर तो यही है कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि हम सोशियो में साइको भी लाए ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्जिस्टिंग शाबाश नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज ये आप इमेजिनरी लाइंस डाल दें जब आप ब्रेनस्टॉर्म करके उसको क्लस्टर और प्रायोरिटाइज कर देंगे तो वो वर्ड आपके जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ गए ठीक। उसके बाद अगली हेडिंग थी रोल ठीक है रोल ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी and international organizations organizations to save mankind to save mankind चलें जी। अब इसमें कुछ सब हेडिंग आप बना सकते यहां आपके पास है सबसे पहले आपको एक ग्लोबल रोल ग्लोबल ठीक हो गया पॉलिटिकल रोल क्या है ये ए कर दें और इसकी सब हेडिंग बना दीजिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी का ग्लोबल पॉलिटिकल रोल क्या है। दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक रोल यहाँ पे फंड चाहिए एलिमिनेशन चाहिए ठीक हो गया। नंबर तीन ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रोल कौन से ऐसे इदारे या सब इदारे बनाने हैं मैकेनिज्म्स बनाने हैं सिस्टम्स बनाने हैं जिससे आप आगे आने वाली जिंदगी में इंसानियत को अभी तो ये जो खतरे हैं इनसे और इनके बाद में भी आने वाले नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से नबर्दा आजमा हो और उसके लिए आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज करनी है को ग्लोबल लेजिस्लेशन करनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई रोल बनाना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल होना चाहिए IMF वर्ल्ड बैंक का स्पॉन्सर करने में जो रोल होना चाहिए UN जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल होना चाहिए उसमें मीडिया को कैसे करना है कंपेनिंग कैसे ये तमाम चीजें आपकी आती थी। और पांचवी हेडिंग क्या है हमारी आपकी कंक्लूजन
अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ और भी गोश गुजार कर दूं, रिक्वेस्ट कर दूं, ये चूंकि फिल बदी होता है, एक्सटेम्पोर होता है, आपकी उस वक्त की एबिलिटी होती है एग्जाम में बैठ के आप काम कर रहे हो, तो इसका रिदम ये वाला अगर आ जाए तो आप भी यही टॉपिक करके हैं, आप भी करके हैं और आप भी करके हैं, तो इनमें वर्डिंग या सिमेट्री का फर्क हो सकता है, लेकिन सब पास होंगे। वो क्यों पास होंगे? इंशाल्लाह ये सब इसी चीज पे फोकस करके काम करते हैं, क्योंकि जब इंसान कोई पीस ऑफ राइटिंग, कोई आर्ट वर्क, कोई शायरी कुछ भी करता है ना, हर बंदे का जो एक जाविया है ना किसी चीज को देखने का या एक्सप्लोर करने का, वो अपना अपना होता है। और एग्जाम में तो हम बिल्कुल ही नेचुरल परफॉर्म कर रहे होते हैं सर, एग्जाम में तो हमारे सामने भी पर्चा आया, उसमें सवाल आया, हमने देखा हाँ यार ये टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो उस रिदम में आपकी एक आउटलाइन बन जाती है। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी रिदम में ये आउटलाइन बनाई है, यू मे डेवलप इट एट योर होम्स, और बेहतर तरीके से आप इनको हेडिंग्स बना सकते हैं, कोई और तरीके से आप काम कर सकते हैं, इसी सब हेडिंग में कुछ कर सकते हैं, इनको क्या जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, एक काम आपने घर से करके लाना है, स्टेप नंबर 6। कौन सा स्टेप नंबर 6 क्या आना बताइएगा? हाँ जी अच्छा क्या बनाने? ब्रेनस्टॉर्म। अब इन तमाम एरियाज के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, और करनी किस तरह वो भी तरीका सीख ले। सबसे पहले आपने सोचना है ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ग्लोब कहता किसको है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबली ओवरऑल क्या हो रहे हैं और उसकी रेमेडीज क्या है या रोल क्या प्ले कर रहा है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किसको कहा जाता है, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी नेशन स्टेट पे। इसी तरह सोशल एस्पेक्ट, तो सोशली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को कैसे लिया जा रहा है, पहले या अब या आगे आने वाले वक्त में कैसे लिया जाएगा, और इस पे अब हमें क्या काम करना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी को क्या भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल, इसी तरह इकोनॉमिक है, इसी तरह ये जो अंडरवर्ल्ड और माफिया और इनका रोल है, ये उसके को क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें हो सकते हैं, और इस रोल को कम करने के लिए ग्लोबल और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्या, तो इसको इसके साथ मिला के सोचेंगे तो पॉइंट जेन में है। यानी स्टेप 3 और स्टेप 4 को जेन में रख के आपने इस एरिए को भरना है, इस एरिए को भरना, यानी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक हो गया, तो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं जी। अभी तक समझ आ गई जी, स्टेप 7 तमाम ऐसे इसी तरीके से कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू।